नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसारथी न्यूज। बात करेंगे मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री कृष्णा कौर की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर प्रवास पर पहुंची पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा कौर ने शासकीय पिछड़ा वर्ग महाविद्यालय के कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास की छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। यहाँ उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय छात्रावास में अब मैस, वाईफाई, ई लाइब्रेरी, सोलर पैनल और जिम की सुविधा बच्चों को दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि छात्रावास की व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस विभाग को संभाल जिम्मेदारी संभालते ही सबसे बड़ा फोकस मेरा इसी बात के लिए था कि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में OBC के बच्चों की है जो हॉस्टल्स में रहकर अपना भविष्य संवार रहे हैं, और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के हर जिले में जो OBC विभाग के हॉस्टल्स बने हैं, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ 100 सीटर है, गर्ल्स 50 सीटर है, उन हॉस्टल्स की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले। और इसलिए लगातार जहाँ भी मेरा प्रवास होता है मैं हॉस्टल्स का औचक निरीक्षण जरूर करती हूँ। आज जब मैं ग्वालियर प्रवास पर आई थी तो मैंने यहाँ इस हॉस्टल का निरीक्षण किया है और बच्चों से मैंने पूछा है कि आपको क्या लगता है, सरकार से आपकी और क्या अपेक्षा है, और अभी जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उससे आप संतुष्ट हैं? अधिकांश बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको मैस की आवश्यकता है, हमें वाईफाई चाहिए, साथ ही साथ हमारे हर हॉस्टल्स में ई लाइब्रेरी चाहिए, जिम की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमने तय किया कि हर हॉस्टल्स में हम 5 चीज़ें अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे, जिसमें मैस की सुविधा हो, वाईफाई की सुविधा हो, हर हॉस्टल्स पर सोलर पैनल, रूफटॉप पर सोलर पैनल लगे, साथ ही साथ ई लाइब्रेरी और जिम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो। जनसार की न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।